हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो बीसीए में एडमिशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं और वही सोच रहे हैं कि हमें बीसीए में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उनका नेचर किस टाइप का होगा और हम जो एग्ज़ाम होगा उसका किस टाइप से एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसका पैटर्न किस टाइप से होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा बीसीए के सब्जेक्ट, उनके नेचर और एग्ज़ाम किस टाइप से होगा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको करियर गाइडेंस से जुड़े हुए बहुत बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे। उसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, इनके और लीनियर प्रोग्रामिंग, ऐसे कई आपको टॉपिक मिलेंगे जो आपको फ़ायदा करेंगे। और साथ ही बेल आइकॉन पर हिट भी कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि यह जरूरतमंद तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा जो कि मेरा मोटिवेशन बढ़ाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के हिसाब से बनाया है, जहां पे बीसीए कोर्स चलता है। यदि आप कोई और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे तो भी ये सिलेबस इसका मोर ऑर लेस यही होगा। हो सकता है कुछ मैं आपको सेकंड ईयर में बताऊं तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ें, जो फर्स्ट ईयर में बताऊं वो सेकंड ईयर में पढ़ें, बट वो टोटलिटी में जो आप बीसीए का सिलेबस पढ़ेंगे वो मोर ऑर लेस हर यूनिवर्सिटी में लगभग लगभग सेम ही होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे बीसीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फिर उसके बाद बीसीए सेकंड ईयर का, और फिर मैं आपको बीसीए थर्ड ईयर का सिलेबस बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बीसीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ठीक है, देखिए बीसीए फर्स्ट ईयर में जब अपन आते हैं तो यहाँ पर अपन को 10 पेपर थ्योरी के पढ़ने होते हैं। तो पहले पेपर में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, जहाँ पर आपको अकाउंटिंग के बारे में जैसे लेजर जनरल, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे फंड का प्रिक्योरमेंट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड करते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा फर्स्ट पेपर में। उसके बाद में सेकंड पेपर में बिजनेस मैथ्स आपको पढ़ना होगा, मतलब जब आप बिजनेस करने आते हैं तो उसमें किस टाइप की मैथ्स होती हैं। तो इससे जुड़े हुए वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे कि सेट थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, तो वो सारे आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आप विजिट करके उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपको अंदाज लग जाए कि आपको बीसीए में किस टाइप की बिजनेस मैथ्स पढ़नी है। ठीक है, थर्ड अपन आते हैं डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना होगा, जैसे गेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सर्किट होते हैं, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इस टाइप के जो सर्किट होते हैं जिससे चिप वगैरह बनती है, वो हम जो है पेपर थर्ड में यहाँ पढ़ेंगे। देन इंग्लिश कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या है कि आपको कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बताया जाएगा लेकिन वो इंग्लिश के थ्रू बताया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इंग्लिश के थ्रू ही होगा। ठीक, उसके बाद पेपर फिफ्थ में आएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या इनपुट डिवाइस होती हैं, क्या आउटपुट डिवाइस होती है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, हार्ड डिस्क कैसे चलती है, और इस ऐसी काफ़ी चीज़ें जो फंडामेंटल से रिलेटेड होती हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी पेपर फिफ्थ के अंदर। देन पेपर सिक्स में आएगा ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज एंड टूल्स। इस पेपर सिक्स में आपको एमएस ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनके कैसे टूल्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो आपको जो ऑफिस से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सब आपको पेपर सिक्स के अंदर यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आता है पेपर सेवन। पेपर सेवन में आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग थ्रू सी। आप सी की प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी, सी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आप हमारे एक और चैनल है जीनत हसन एकेडमी, उसमें आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर आ भी रही होगी, तो वो लिंक आप यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सी से जुड़े हुए बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेंगे जो विजिट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि सी की तैयारी कैसे करनी है। तो ये हमारे हो गए सात पेपर जो हमारे मेन पेपर होते हैं, और बाकी ये फाउंडेशन पेपर होते हैं। फाउंडेशन पेपर होने का मतलब है ये आपके बेसिक जो फाउंडेशन कोर्स था उसके लिए होते हैं। हालांकि जब नंबर आप देखेंगे तो नंबर आपको सब में बराबर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इसके नंबर ज़्यादा है और इसके नंबर कम है, सबके नंबर आपको इक्वली मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर, जिसको कि अगर टोटलिटी में बोलेंगे तो पेपर नंबर एट होगा। यहाँ पर आपको हिंदी बताया जाएगा कि हिंदी कैसी होती है, जनरल हिंदी कैसी होती है, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो आपको पेपर एट में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर नाइन में इंग्लिश आएगी। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको ग्रामर आएगी, यहाँ पर इंग्लिश में क्या था, आपको कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है वो बताया जा रहा था, यहाँ पर जो उसकी ग्रामर होती है वो आपको यहाँ बताई जाएगी।
इसके बाद पेपर 10th में आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आपको करना है, आपको बिजनेस बनाना है, उसके लिए आपके आप एंटरप्रेन्योर हैं तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, जैसे उसके अंदर आपको इनोवेशन आना चाहिए, उसके अंदर आपको रिस्क कैपेबिलिटी आना चाहिए, ये सब चीज़ें आना चाहिए, तो वो पेपर 10th के अंदर होगा। तो ये 10 पेपर जो हैं इनकी तो थ्योरी पेपर होंगे, साथ ही हमको प्रैक्टिकल भी करने होंगे। तो यहाँ पर हमको प्रैक्टिकल्स करने होंगे। प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो दो टाइप के प्रैक्टिकल हमको लिए जाएंगे, जिसमें एक पीसी पैकेज होगा जो कि एमएस ऑफिस का होता है, इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से जुड़ी चीज़ें होती है, उसमें आपको फाइल बनाना होता है, वाइवा देना होता है, वहाँ पे आपको एक्सटर्नल आएगा, वाइवा पूछेगा और आपको एग्जाम देना होता है, वो प्रैक्टिकल कहलाता है पीसी पैकेज। और जो दूसरा कहलाता है वो सी प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी, कोई एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा और वो आपको रन करके दिखाना होगा, कोई एक्सटर्नल आएगा वो आपसे वाइवा लेगा। तो ये सिर्फ दो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो इस तरीके से आपको ये आपने देख लिया, ये बीसीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अपन देखते हैं बीसीए सेकंड ईयर का सिलेबस। अपन देख लेते हैं बीसीए सेकंड ईयर के बारे में। तो बीसीए सेकंड ईयर में जैसा कि अपन ने देख ही चुके हैं कि पैटर्न उसी तरीके का रहेगा, जिसमें कि आपको 10 जो पेपर होंगे वो थ्योरी पेपर होंगे। तो उनको एक बार अपन समझते हैं, उसका मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा आपको सब्जेक्ट किस नेचर का। तो पेपर फर्स्ट में आएगा कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल और स्टैटिकल टेक्निक, ठीक है। पेपर सेकंड में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है, तो वो किस तरीके से होती है, उसका डिफरेंट फंक्शंस कैसे होते हैं, तो वो सब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जिन्नत हसन एकेडमी में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस टाइप से काम करता है, सारी चीज़ें आपको उस चैनल पर मतलब जिन्नत हसन एकेडमी पर आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो थर्ड पेपर आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये एक मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका बिहेवियर कैसा होता है। बिहेवियर का मतलब है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन किस टाइप से होता है, उसके स्ट्रक्चर किस टाइप से होते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टाइप से होती है, किस सिनारियों में किस कंपनी का स्ट्रक्चर में हमको काम करना होता है और किस तरीके से काम किया जाता है। तो यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को आपके सिलेबस के अंदर रखा गया है। इसके बाद पेपर फोर्थ में आता है प्रोग्रामिंग विद C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको C++ की प्रोग्रामिंग बताई जाएगी और डेटा स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है आपको C++ से। तो इसके वीडियो भी जिन्नत हसन एकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको C++ की वीडियोस भी मिलेंगे और डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस भी उस चैनल पर मिल जाएंगे। तो वो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो उस चैनल को आप विजिट करिएगा तो आपका बीसी का बहुत ज़्यादा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेपर फिफ्थ में आएगा RDBMS कॉन्सेप्ट विथ ओरेकल। इसमें क्या होगा कि आपको RDBMS क्या है, एक डेटाबेस है जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है और जब आप ये पढ़ लेंगे तो फिर उसमें ओरेकल एक डेटाबेस होता है, जैसे ओरेकल होता है SQL सर्वर होते हैं, तो ओरेकल एक डेटाबेस होता है जिसमें आपको स्टडी करना है, उसके कमांड करना है, उसकी प्रोग्रामिंग करना है, वो आपको पेपर फिफ्थ में बताया जाएगा। उसके बाद पेपर सिक्स्थ में आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब होता है जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करेंगे, किस तरह से आप टूल डेवलप करना है आपको, ये सब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाएगा, जो पेपर नंबर सिक्स्थ है। इसी के साथ पेपर नंबर सेवन है वेब टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग .NET। इसमें आपको वेबसाइट बनाना है, किस टाइप से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे वो सब आपको .NET जो प्रोग्रामिंग होती है उसके थ्रू आपको डेवलप करना बताया गया है। तो ये आपके हुए जो कंप्यूटर रिलेटेड पेपर हैं। वापस से अपना फाउंडेशन कोर्स आएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में था तो 8th पेपर यहाँ पर भी हिंदी रहेगा, फर्स्ट ईयर में भी पेपर नंबर 9 इंग्लिश था तो यहाँ पर भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर में था आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको आएगा एनवायरमेंटल स्टडीज, तो आप यहाँ पर चेंजेस आएंगे। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपके नंबर इक्वल होंगे, चाहे आप ये कंप्यूटर के मेन सब्जेक्ट पढ़ें चाहे फाउंडेशन, तो आपको इक्वल इम्पोर्टेंस सब पर देना है। अब बात हुई प्रैक्टिकल की, तो इसमें भी दो प्रैक्टिकल हैं जो आपको करना होगा, मतलब उसकी फाइल बनाना होगी, उसके एग्जाम होंगे, उनके वाइवा पूछेंगे, एक्सटर्नल आएगा, वो सब होंगे। तो दो प्रैक्टिकल होंगे, एक होगा C++ डेटा स्ट्रक्चर का, ये प्रैक्टिकल होगा, और फिर RDBMS एंड ओरेकल, ये एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको BCA के सेकंड ईयर में दो प्रैक्टिकल देना होगा।
तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते चलिए। अब मैं आपको बताता हूँ बीसीए थर्ड ईयर का सिलेबस। अब अपन देख लेते हैं बीसीए थर्ड ईयर यानी कि बीसीए फाइनल ईयर का सिलेबस। तो पेपर फर्स्ट रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर आप कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए डिफरेंट मॉडल्स, उनमें किस तरीके से सिक्योरिटी आप देंगे, उसमें किस तरीके से इंटरनेट हो, किस तरीके से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपको और वीडियो देखना है तो वो आप जीनत हसन एकेडमी में कंप्यूटर नेटवर्क में जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है पेपर सेकंड कोर जावा। कोर जावा का मतलब है, पहले हम समझते हैं जावा दो टाइप की होती है, एक होती है कोर जावा, एक होती है एडवांस जावा। कोर जावा में मतलब वो जावा की प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है वो कहलाती है कोर जावा, और एक होती है एडवांस जिसमें सर्वलेट्स वगैरह आता है वो कहलाती है एडवांस। तो आपकी बीसीए थर्ड ईयर में कोर जावा है तो इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको जीनत हसन एकेडमी चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां विजिट करके आप कोर जावा के वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद पेपर थर्ड है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप कोई सेल या परचेज कर सकते हैं, जहां पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, गुड्स का ट्रांजेक्शन होता है। तो वो उसके क्या तरीके होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन सी सिक्योरिटी रखना होती है, ये सब आपको पेपर थर्ड में ई कॉमर्स पेपर में बताया जाएगा। इसके बाद आता है पेपर नंबर फोर्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि जो काम पहले मैनुअली होता था, जब आप उसको कंप्यूटराइज कर देंगे तो वही काम जो है वो किस तरीके से होगा। मतलब कोई इंफॉर्मेशन है तो वो पहले बॉस से कैसे सबॉर्डिनेट के पास जाएगी, वहां से पीयर के पास कैसे जाएगी, कैसे ट्रांजेक्शन होगा, किस लेवल पर किसको अथॉरिटी दी गई, किस लेवल पर किस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कितने टाइप के आपको सिस्टम बनाना है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहलाती है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो आपको पेपर फोर्थ में पढ़ाई जाएगी। इसके बाद पेपर फिफ्थ में आएगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि ये एक मैनेजमेंट का पेपर होता है, यानी कि जब आपको कोई मैनेजमेंट करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका सर्टेन तरीका होता है, सर्टेन प्रिंसिपल होते हैं, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उनको करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वो सब आपको पेपर फिफ्थ में पढ़ाया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट। उसके बाद पेपर सिक्स में आएगा आपको पाइथन प्रोग्रामिंग। ये आज के समय पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज होती है, इसका यूज दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और सभी जगह पे, चाहे आप यूट्यूब में बोले या आप इंस्टाग्राम में बोले या कई और एप्लीकेशन है जहाँ पर पाइथन का यूज़ किया जाता है, गेमिंग में बोल सकते हैं, सब जगह पर पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो वो आपको हमारे आरिफ हसन चैनल पर मिल जाएंगे, आप विजिट करके पाइथन के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं पाइथन बाय आरिफ हसन, तो आपको पाइथन के वीडियोस इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए छः पेपर, लेकिन अब आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो मेन पेपर थे वो मैंने सात बताए थे, लेकिन यहाँ पर जो ये मेन पेपर हैं आपके वो आपके छः होंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस पेपर की जगह ये प्रोजेक्ट बढ़ गया है ना। तो ये थ्योरी का पेपर हटा के उन्होंने क्या किया है, सिक्स थर्ड ईयर के अंदर एक प्रोजेक्ट उसके अंदर डाल दिया है, इसलिए एक थ्योरी का पेपर हट गया है। बाकी जो पेपर है वो फाउंडेशन के वैसे ही तीन होंगे, तो चूंकि यहाँ पे सिक्स है इसलिए जो फाउंडेशन पहला पेपर अब हो जाएगा सेवन्थ नंबर का, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हिंदी था यहाँ पर भी हिंदी रहेगा। जो अगला सेकेंड पेपर था जो टोटलिटी में बी सी थर्ड ईयर में एट्थ पेपर कहलाएगा, वो इंग्लिश का यहाँ पर भी रहेगा, और यहाँ पर जो एफसी का यानी फाउंडेशन का आखिरी पेपर है वो कहलाता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या था, बीसीए फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बीसीए सेकंड ईयर में हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट स्टडी, और यहाँ पर उन दोनों की जगह पर यहाँ पर हम बीसीए थर्ड ईयर में आएंगे तो देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी फंडामेंटल का एक पेपर होता है जिसमें कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये मेन पेपर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नौ पेपर हो जाएंगे बीसीए थर्ड ईयर के अंदर, जबकि टोटल पेपर जो बीसीए फर्स्ट ईयर में थे वो टेन थे, बीसीए सेकंड ईयर में थे वो टेन थे, और बीसीए थर्ड ईयर में अब नौ हो जाएंगे, क्योंकि वो टेंथ पेपर जो है उसकी जगह यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जोड़ा गया है। तो अब अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें दो प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक प्रैक्टिकल होगा जावा का और एक होगा पाइथन का, ये दो प्रैक्टिकल होते हैं। इस प्रैक्टिकल में आपको फाइल बनाना पड़ेगी, प्रोग्राम बनाना पड़ेंगे, एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, आपका वायवा आएगा होगा, तो इनमें करना पड़ता है, और एक होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है।
अब प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपको बनाना है एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी एंड MySQL। जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो पीएचपी और MySQL का यूज करके बनाएंगे। तो इसकी आपकी एक फाइल बनेगी और उसकी एक पूरी अच्छे से आपका वायवा होगा, और जैसे एक प्रोजेक्ट का होता है उस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ पे काम किया, ये प्रोजेक्ट आपने कहाँ बनाया, वो सब आपको यहाँ पर बताना होगा। तो ये BCA थर्ड ईयर का मैंने बताया। तो इस तरीके से हमने BCA फर्स्ट ईयर, BCA सेकंड ईयर, BCA थर्ड ईयर तीनों का सिलेबस देख लिया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये हर जरूरतमंद तक पहुँच सके। और जो लोग कन्फ्यूज़ हैं और सोच रहे हैं कि BCA का सिलेबस में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसका लेवल किस तरीके से होगा, तो मैंने इस वीडियो को आपको सब बता दिया। और जो वीडियोज़ इसमें मौजूद इस चैनल पर मौजूद है वो भी मैंने आपको बताया, और जो जीनत हसन एकेडमी चैनल पर है वो भी आपको बताएं। तो आप दोनों चैनलों पर विजिट करके सारी वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर जरूरतमंद तक पहुँच सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे आपको केयर गाइडेंस की वीडियोज़ बना सकूँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर हिट कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो अपन मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।